हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीता झा आप सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ अपने छत पे क्योंकि क्लीनिंग करना है छत का। अभी कल जो बनाई थी अचार, इसको धूप लगाने इसको रख दिए हैं। अब जा रही हूँ मैं नीचे, आ रही हूँ सामान लेकर, झाड़ू धूप लगाऊँगी। बहुत तेज़ धूप है, आँख भी नहीं दिखाई देता है कि कैसा है तो क्या है नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने किचन में खाना बनाने, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो बाबू आ जाएगा, इसलिए चलते हैं नीचे। आज की मेरी ये खाना रही, ये है गोभी पकौड़ा, कदीमा की भुजिया। मैं आज सिंपल ही बनाई तो जा रही मैं खाने। बेडरूम में क्यों हूँ तो बेडरूम में ही मेरा फ़ोन चार्ज में लगाया था, बस कुछ ज़्यादा नहीं बनाई तो देखती हूँ मैं कैसे क्या करती हूँ। ठीक है यार, मैं पहले खाने, ढाई बज गया है। यहाँ पे मैंने सारा दूध गिरा दिया बाबू को, दूध जब तक देने के लिए गई यहाँ पूरा कांड करके रख दिया मैंने। इसलिए मैं बड़ा सा पतीला में डालती हूँ दूध, छोटा वाला पतीला में जब भी डालती हूँ यही कांड मेरे साथ हो जाता है। यहाँ पे खड़ी थी कुछ नहीं हुआ, वो बोला एक मिनट पानी दो, दूध बिस्किट दी, जब तक गई मिस माइंड हो गया। अब इसको दूध गिरने से ज़्यादा इसको पूछने में जो मेरा टाइम जाएगा ना, कभी कभी मेरे साथ हो जाता है। यहाँ हो रही है मेरी दाल की तरकारी रेडी, कुछ बनाती नहीं, तबीयत बिगड़ी हुई सी है मेरी। हो गई जल गई रे बाबा, आयो री माँ हुआ हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद आवे रुपया। यह बना रही मैं चोखा, इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची डाल के मैं चोखा बना रही हूँ। ओ माय गॉड, हेलो। यहाँ मेरी हो गई है भात रेडी, इसमें दाल, ये पापड़ और ये चोखा। अभी बना रही मैं खुद से बनाई हुई चावल से बनाई हूँ मैं, यहाँ चरौड़ी आप जो भी बोलते होंगे, ये इसकी बनाने के बारी आ गई। क्योंकि ये बोले हैं सिंपल ही खाएंगे तो सब्जी नहीं बनाई, सब्जी एकदम पेट गर्म सा हो जाता है। तो ये रही मेरी, तेल गर्म हो रही है, अब मैं इतना सारा डालूँगी। सर्दी भी हो गई है लेकिन ये चावल बोले हैं चावल खाएंगे। हाँ आवे छी, कोई आया तो रुक के मैं इसको करती हूँ। ठीक है रुक जाइए भैया, गेट खोल दिया हमने, क्यों एलखिन है भैया, आवे छी भैया जो आते। ये मेरे गोपाल जी हैं, ये मेरे बड़े वाले दीदी जी के गोपाल जी हैं। अभी इनको सब कुछ किए हैं, अब इनको सुलाएंगे। और ये मेरे गोपाल जी हैं, स्वेटर टोपी पहन के बैठे हुए हैं, तो इनको अभी हम सुलाएंगे कृष्ण भगवान गोपाल जी को। मैंने प्रणाम कर लिया है भगवान जी सबको, कर लेती हूँ और जा रही हूँ उनको सुलाना। मेरा ये ड्यूटी लास्ट होता है, बाबू जब सो जाता है गोपाल जी को भी हम सुला देते हैं प्रणाम करके। क्या होता है ना कि आज तो दिखाई दिए कि आज दिन में ना कुछ किया ही नहीं एक्स्ट्रा, जो रियल है वही जो रहता है मेरा काम सब, खाना पीना बनाना ये वो। तो मेरे व्यूज नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। पहले ऐसे आते था, मतलब आ जाता था, जो जितना मेरा सब्सक्राइबर है उससे बहुत ज़्यादा आता था, ऐसा नहीं है। 150 के पार तो चला गया था, 150-200 ऐसे भी जाता था मेरा व्यूज। अभी मेरा आ रहा है 15-16 ऐसे करके मेरे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, है ना। क्योंकि मैं कहीं जाऊंगी तभी मेरे पास कोई कंटेंट बनेगा, तो मैं अभी जा नहीं रही हूँ कहीं। पहले मैं जाती थी मंदिर, अभी ठंड बढ़ गई है ना, प्लस अभी इस बीच में बाबू भी बीमार था तो छोड़ के जाने में मन नहीं करता था। अभी उसका ट्यूशन टाइमिंग लेट हो गया, बहुत सारे रीजन्स होते थे, बोलेगा आपका प्रॉब्लम है ये सब, तो वो तो है ही, लेकिन व्यूज नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। मैं ऐसे ये नहीं करूँगी कि मेरा छोड़ना है कुछ भी, नहीं आते व्यूज़ तो भी चलेगा,
कोई दिक्कत नहीं, मेरा कंटिन्यू रहेगा मेरा वीडियो आना, जितना बड़ा है, चाहे 2 मिनट का है, चाहे 5 मिनट का है, चाहे 10 मिनट का है, 7 आए 6 है, जितना भी होगा, 4 मिनट का आएगा आएगा, पर कोई बात नहीं, व्यूज नहीं भी आते हैं, नहीं आए, कभी ना कभी आएगा, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होंगे हम इस लाइन में। कोई बोलता है इफेक्ट डालने नहीं आता, तो मुझे नहीं आती है, आई एम एक्सेप्टेड कि मुझे एक इफेक्ट डालना या कुछ भी वीडियो में एक्टिविटी डालना, अभी मेरे फ़ोन है तो मैं इतना कर भी नहीं पाती, मैं सीख रही हूँ, जब तक मेरे 150-200 वीडियो पूरे होंगे तब तक मैं सीखूँगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, लाइक तो कर दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।